सामाजिक दूरी। आचार्य महाश्रमण जी की सुशिष्य साध्वी सांसद श्री साध्वी रतन श्री जी की सहयोगी साध्वी साध्वी सांसद श्री साध्वी रमावती, यह अनुव्रत एक ऐसा माध्यम है कि हम अनुव्रत को, ये छोटे छोटे नियम है पर बहुत बड़े हैं। आज दुनिया के अंदर हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। 21वीं सदी है, वैज्ञानिक सदी है। इसमें वैज्ञानिकों ने आकाश में उड़ना सिखा दिया, समुद्र में तैरना सिखा दिया, मछली की तरह सब कुछ करना सिखा दिया। आपके पास में रेडियो टी है, टीवी सेट है, सब कुछ सेट है, लेकिन जब तक मानव का मन दिमाग अब्सेंट रहेगा तब तक व्यक्ति के जीवन में शांति का निर्माण नहीं होगा। आज विज्ञापन हो रहा है, हर चीज का विज्ञापन हो रहा है, हम सुन रहे हैं, पेपरों में पढ़ रहे हैं, लेकिन आप यह बताइए क्या अनुव्रत का कहीं कोई विज्ञापन हुआ है? क्या आप करते हैं क्या? अगर अनुव्रत का विज्ञापन हो तो ये तलाक जैसी समस्या है, इस समस्या का भी समाधान हो सकता है। आप देखिए, मैं अनुव्रत का एक ही नियम आपको बताना चाहती हूँ। पहला नियम है आत्महत्या और भ्रूण हत्या। ये आत्महत्या क्यों हो रही है और भ्रूण हत्या क्यों हो रही है? आचार्य तुलसी ने कहा है कि दहेज है, भ्रूण हत्या है, यह प्रमुख नहीं है। प्रमुख क्या है? प्रमुख है दहेज। अगर आज यह दहेज का लेन देन का ठहराव कम हो जाए तो भ्रूण हत्या है वह भी कम हो सकती है। तो हम देखते हैं कि अनुव्रत एक ऐसा नारा है, आज का विषय रखा गया है अनुव्रत और विश्व शांति। विश्व शांति में हम जीवन जीना चाहते हैं तो कैसे जीवन जीना चाहते हैं कि हम अनुव्रत के छोटे छोटे नियमों को स्वीकार करें तो व्यक्ति के जीवन में शांति अनुभूति हो सकती है। आज मैं एक उदाहरण बताना चाहती हूँ। लोंगोवाल और राजीव गांधी का की समस्या थी, उस समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। वह समाधान किनके द्वारा हुआ? आचार्य श्री तुलसी के द्वारा हुआ। ये आचार्य श्री तुलसी क्या है? अनुव्रत के देने वाले हैं। क्योंकि जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय आचार्य तुलसी ने सोचा कि प्रतंत्रता की बेड़ियों से आज देश स्वतंत्र हुआ है, कहीं हमारा समाज चरित्रहीन न बन जाए, अपने विकास से विमुख न हो जाए, तो मुझे एक काम करना चाहिए। उस समय अनुव्रत का बीज वपन हुआ। आज हम आप सभी जानते हैं कि बीज वपन कहाँ हुआ, बीज वपन कहाँ हुआ? उस समय छोटे से गांव छापर में आचार्य श्री विराज रहे थे और वहां पर अनुव्रत का बीज वपन हुआ। आचार्य तुलसी ने कहा मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 25 व्यक्ति चाहिए काम करने वाले। जो काम करने वाले होंगे तभी समस्या का समाधान होगा और काम आगे बढ़ेगा। तो 25 नहीं, 500 व्यक्तियों के नाम सामने आ गए और सरदार से में इस अनुव्रत का शिलान्यास हुआ और देश नहीं विदेशों तक आज अनुव्रत की गूंज ज्यादा फैली हुई है। आचार्य महाश्रवण जी अपनी पद यात्रा कितनी की है? 50,000 किलोमीटर की पद यात्रा की है और वह देश देश में छोटे छोटे बच्चे, एक व्यक्ति आया कि मैं बहुत दुखी हूँ, किस कारण? कि मेरा बच्चा बीड़ी सिगरेट बहुत पीता है, आप पधारे और उसकी छुड़ाइए। बीड़ी कितना नुकसान करती है, नशा है। तो आचार्य महाश्रवण जी 10 किलोमीटर का चक्कर खा करके उसके घर पे पधारे, उस छोटे से 10 साल के बच्चे को समझाया और उन्हें नशा का त्याग कर दिया। तो अनुव्रत छोटे छोटे नियम है लेकिन बहुत बड़े हैं। आचार्य महाप्रज्ञ का शब्द है कि सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से उसका असर राष्ट्र पर हो, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से उसका असर राष्ट्र पर हो। जाग उठे जन जन का मानस,
जाग उठे जन जन का मानस, ऐसी जागृति घर घर हो, ऐसी जागृति घर घर हो। अगर ऐसी जागृति घर घर में आ जाए तो घर का सुधार होगा, व्यक्ति के जीवन का सुधार होगा, देश का सुधार होगा और राष्ट्र का सुधार होगा। राष्ट्र को सुधारने वाले कौन है? व्यक्ति है, समाज है, हम है। तो अगर आज का जो विश्व शांति का नारा है या विश्व शांति का नारा सब जगह व्यक्ति के व्यक्ति व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो समस्या का समाधान हो सकता है। अनुव्रत की देन है कि व्यक्ति स्वयं सुधर जाए तो समाज सुधर सकता है। इसी भावना के साथ ओम।